हाय एवरीवन, आज की क्लास में मैं आप लोगों को टिंट, टोन और शेड के बारे में बताऊंगा और ये क्या होते हैं इसकी भी जानकारी आपको दूंगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। और आपको कुछ एग्जांपल्स बना के बताऊंगा कि टिंट क्या होता है, टोन क्या होता है और शेड क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिए क्योंकि आप ये देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हम कोई एक कलर को लेकर उसके शेड कैसे तैयार कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये ठीक से समझ में आ गया कि एक ही कलर से हम कैसे शेड बना सकते हैं तो आप इसका यूज़ कहीं पर भी कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने में या कोई अच्छी सी पेंटिंग बनाने में आप इसका यूज़ अच्छे से कर सकते हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने एक ग्राफ तैयार कर लिया है ताकि मैं जो भी कलर टोन बनाऊँगा तो आपको अच्छे से समझ में आए कि कौन से कलर से कौन सा कलर मिलाकर हम उसका शेड बनाएंगे। मैंने यहाँ पर तीन कॉलम में रेड कलर फिलअप कर दिया है ताकि क्योंकि तीन कॉलम इसीलिए क्योंकि एक में आएगा शेड, एक में आएगा टोन और एक में आएगा टिंट, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर तीन कॉलम में रेड कलर फिलअप किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक कलर लेकर हम उसमें टिंट, टोन और शेड तैयार कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर मैं जो कलर ले रहा हूँ वो है ब्लैक। तो सबसे पहले कॉलम में हम ऐड करेंगे ब्लैक कलर। रेड कलर है तो रेड कलर में हम लोग ब्लैक ऐड करें तो उसमें हमें रेड कलर का शेड मिलता है। और शेड इस तरीके से तैयार होगा, कोई रेड कलर है तो रेड कलर में कम मात्रा में ब्लैक ऐड करें तो एक शेड तैयार होगा, उसमें थोड़ा और ब्लैक ऐड करें दूसरा शेड तैयार होगा। ऐसे करते करते हम लोग इतने शेड तैयार कर सकते हैं जब तक कि वो पूरा रेड कलर का ब्लैक टोन ना आ जाए, तो तब तक कि हम लोग इसके शेड तैयार कर सकते हैं। तो ये होता है शेड। और अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ टिंट। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा टिंट क्या होता है। तो टिंट मतलब कि रेड कलर में हम लोग कोई भी रेड ही नहीं कोई भी कलर, मैं आपको सिर्फ यहाँ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो रेड कलर में हम लोग को वाइट मिला है तो हमें उसका एक टिंट तैयार होगा। तो इस तरीके से रेड में वाइट ऐड करते जाएंगे तो बहुत सारे टिंट तैयार होंगे उसके अलग अलग तरीके से। इस बॉक्स में आपको सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। तो ये था हमारा टिंट। अब मैं आपको बताऊँगा टोन कैसे तैयार होता है। टोन तैयार होता है रेड में ग्रे कलर मिलाने से। मैंने शेड तैयार किए, टिंट तैयार किए, ठीक उसी तरीके से ये भी टोन भी तैयार होता है। जैसे कि रेड लिया उसमें ग्रे ऐड करते गए, फिर से ग्रे ऐड किए, फिर से ग्रे ऐड किए, तो इस तरीके से रेड कलर का टोन तैयार होता है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को टिंट, टोन और शेड के बारे में बताया रेड कलर का यूज़ करके, तो ठीक उसी तरीके से आप कोई भी कलर का यूज़ आप ऐसे कर सकते हो। जैसे कोई भी एक कलर लिया उसमें ब्लैक कलर, ग्रे, वाइट ये मिलाकर आप उसका टिंट, टोन और शेड तैयार कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।